दोस्तों, आज हम सीखेंगे राजमे की सब्जी बनाना। इसके लिए हम रात को पानी में भिगो के राजमा रख देंगे। और दोस्तों, अच्छे से याद रखें, जब आप राजमा को भिगोएं तो उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दें ताकि राजमा अच्छे से गल जाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देंगे। जीरे और हींग को थोड़ी देर तक लाल होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जीरा और हींग जो है वो अच्छे से सिक के ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए बारीक प्याज के टुकड़े डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला के प्याज को सिकने देंगे। दो मिनट के लिए हम प्याज को सिकने देंगे जब तक प्याज लाल नहीं हो जाए। ये देखिए दोस्तों, थोड़े से हमारे प्याज ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर इसमें हम मसाला डालेंगे। दो चम्मच धनिया, धनिया हमेशा सब्जी का स्वाद बढ़ाता है। एक चम्मच हल्दी, एक से सवा चम्मच लाल मिर्च और उसी क्वांटिटी में हम डालेंगे नमक। और थोड़ा सा गरम मसाला। हाँ फ्रेंड्स, गरम मसाला आपको आसानी से मिल जाएगा किसी भी मार्केट में। और अगर आप घर में बनाना चाहें तो तेज पत्ता, काली मिर्च, इन सबको पीस के आप थोड़ा सा गरम मसाला घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, एक या दो चुटकी गरम मसाला बहुत होता है। अब हम इस मसाले को अच्छे से दो मिनट के लिए हिला देंगे और हिलाने के बाद पकने देंगे। ये देखिए देखिए दोस्तों, इतना शानदार मसाला हमारा पक के रेड कलर का हो गया है। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे। जो भिगो हुए राजमा है हम इसमें अच्छे से डाल देंगे और इसे मसाले को मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसके बाद इसे अच्छे से हिला देंगे। ये हिला दें। अब हम इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो राजमे की सब्जी है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो हम कुकर को बंद कर देंगे और 3 सीटी के बाद हमारी राजमे की सब्जी कैसे बनी, वाओ, हमारी राजमे की सब्जी रेडी है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम अच्छे से हिलाएंगे और फिर हिलने के बाद एक बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी राजमे की सब्जी रेडी। खाइए, खिलाइए, बहुत सारी तारीफें पाइए और अपने परिवार को हेल्दी रखिए।